राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहाँ पे अलग से गोपालन मंत्रालय बनाया गया था, लेकिन एक भी गौशाला में आज तक पशु चिकित्सक की भर्ती नहीं हुई है। दिन प्रतिदिन वेटनरी डॉक्टर्स की जो संख्या है या जो वेटनरी कॉलेज है वो बढ़ाती जा रही है, जबकि एक भी डॉक्टर की भर्ती ये नहीं करवा रही। राजस्थान एक किसानों एवं पशुपालकों का प्रदेश है, यहाँ पे किसानों एवं पशुपालकों के ऊपर सरकार राजनीति करती है लेकिन उनके ऊपर कोई सीधा लाभ उनको नहीं देती है। Today we are here in Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences Bikaner, which is the only veterinary university in the state. डिग्री पूरी होने के बाद में हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमने सरकारी कॉलेज से डिग्री की है तो हम जॉब को सिक्योर मानकर चलते हैं, लेकिन पिछली 5 साल से हमारे यहाँ कोई भर्ती सरकार के द्वारा नहीं निकाली गई है। 2013 में लास्ट वैकेंसी निकली थी, उसके बाद में 2017 के बजट में वसुंधरा सरकार ने 900 पदों की घोषणा की थी जो आज तक नहीं भरी गई। अशोक गहलोत साहब की सरकार थी उसमें जब सरकार ने भर्ती को पारदर्शिता लाने के लिए जो कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखा था वो जो भाजपा सरकार थी उसने पूरा नहीं किया। पशु उत्पाद की गुणवत्ता और जो उसका उत्पादन है वो पशु स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है, लेकिन चिकित्सकों की कमी होने से या उनको वहाँ पे पद ना दिए जाने से इनका प्रभाव इस उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों पे पड़ रहा है, जिससे सरकार जैसे इस पे ध्यान नहीं दे रही या चिकित्सकों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगा रही है केवल, उससे उनकी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है और भविष्य के जो उनके अवसर है वो भी खत्म हो रहे हैं, साथ ही साथ राज्य के आय पर भी इस पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और 1500 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ से डिग्री कर ली, पीजी पीएचडी सब कर ली, लेकिन उसके बाद में वो इस इंतजार में बैठे हैं कि कब सरकार हमारी सुनवाई करे और कब हमारी जॉब लगे ताकि हम हमारे आर्थिक परिवार को हम आर्थिक सहायता दे सकें। यहाँ पर केवल 2000 पद ही स्वीकृत हैं, उसमें से 60% यानी कि 1100 पद रिक्त पड़े हैं। मेरी नई सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि गोपालन मंत्रालय को अलग से मतलब पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए ताकि गायों की सही मायनों में सेवा हो सके, ना कि कोई राजनीति कर सके करे गायों पे। तो हम ये सरकार से अपेक्षा करते हैं कि फरवरी में जब बजट की घोषणा हो तो हमारा जो मुद्दा है ये ध्यान में रखते हुए अभी वैकेंसी जारी करे और उसको जल्दी से जल्दी पूरा करे।